आज हमने आटे की चकली बनाई है। ये एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनती है और एकदम टेस्टी बनती है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टूट रही है ये। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं आटे की चकली। यहाँ पे मैंने एक साफ कपड़ा ले लिया है। कपड़ा हमें पतला थोड़ा लेना है, बहुत मोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बदले में आप साफ रुमाल ले सकते हैं। 2 कप गेहूं का आटा लिया है, लगभग 300 ग्राम जितना गेहूं का आटा है। इसे कपड़े के ऊपर डाल देंगे। इसकी हम पोटली बना लेते हैं, इस तरह से ऐसे बांध लेंगे इसे। पोटली को हम इस तरह से कुकर के डब्बे में रख देंगे, पर इस तरह से ढक्कन लगा देंगे। कुकर में हमने पानी रखा है और रिंग रखा है, इसके ऊपर ये डब्बा रख देंगे। अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ऊपर ये ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी तक कुक कर लेते हैं। 4 सीटी तक हमने इसे कुक किया और कुकर ठंडा हो गया। इसके बाद पोटली को हमने निकाल लिया है। अभी खोल के अंदर से आटा निकाल लेते हैं। आटे को एक बाउल में ले लेते हैं और इसे दस्ता की सहायता से इस तरह से कूट के अलग कर लेंगे। इसे हाथ से भी कर सकते हैं। गरम गरम आटा ही हमें निकाल लेना है तो इजीली हाथ से ये टूट जाएगा। आटा जो है वो अच्छे से कुक हो जाना चाहिए तो चकली एकदम क्रिस्पी बनती है। इस आटे की गुठलिया को हम मिक्सर जार में डाल के भी तोड़ सकते हैं। इसे हम छन्नी में डाल के छान लेते हैं। आटे को छान के इस तरह से रेडी कर लेते हैं। आटे को छान लिया है, अभी हम इस पे मसाले डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून सफेद तिल, 1.5 टीस्पून नमक, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसे हम थोड़ा हाथ से क्रस करके डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, इसे भी हम थोड़ा हाथ से क्रस करके डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 पिंच हींग। सब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक तिहाई कप फ्रेश दही और 1 टेबलस्पून मलाई को हमने मिक्स किया है, ये अंदर डाल देंगे। दही हमें एकदम फ्रेश लेना है, जरा भी खट्टा नहीं होना चाहिए। मलाई के बदले में आप 1 टीस्पून तेल डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथ लेते हैं। दही हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटा हमें मीडियम सॉफ्ट गूंदना है और एकदम अच्छे से मसलना है आटे को। 1 कप में थोड़ा कम पानी लगा है। आप अपने आटे की क्वालिटी के हिसाब से और दही कितना गाढ़ा या पतला लिया है उस हिसाब से आप पानी का इस्तेमाल करें। आटे को अच्छे से मसल लेते हैं। आटे को मैंने 2 मिनट अच्छे से मसल लिया है। अब 1 टीस्पून तेल डाल के आटे को थोड़ा चिकना कर लेते हैं। एक मिनट के लिए इसे मसल लेंगे। ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। चकली की जाली को हम तेल लगा के थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। अंदर भी थोड़ा तेल लगा लेंगे। आटे को हमने रखा था, 10 मिनट हो चुकी है। इस तरह से थोड़ा आटा लेके लंबा रोल कर लेंगे, चकली के जाली में अंदर डाल देंगे। इसके ऊपर भी तेल थोड़ा लगा लेंगे। इस आटे के ऊपर हम ढक्कन लगा के रखेंगे, नहीं तो ये आटा सूख जाएगा। चकली बना लेते हैं।
तरह से राउंड कर लेंगे। इस तरह से राउंड राउंड घुमा के चकली बनाएंगे। लास्ट का पार्ट है वो इस तरह से चिपका लेंगे ताकि चकली तेल में डालते टाइम ये छूट नहीं जाए। इस तरह से चकली बना लेंगे। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। देख लेते हैं थोड़ा आटा डाल के कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। तेल गरम हो गया है। इस तरह से आटा धीरे से ऊपर आना चाहिए। चकली अंदर डाल देंगे। इस तरह से उठा के चकली को तेल में डाल देंगे। चकली को हम एकदम धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे तो ये अंदर से फ्राई हो जाएगी। चकली को हमें तुरंत ही पलटाना नहीं है। थोड़ी सी फ्राई होके इस तरह से तेल में ऊपर आ जाए उसके बाद इसे पलटना है। ये ऊपर आ गई है तो इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। चकली को पलटाने के बाद हमने धीमी आंच पे 2 मिनट कुक किया। वापस इसे एक बार पलट लेंगे। दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। धीमी आंच पे इसे अच्छे से फ्राई करना है तब ये एकदम क्रिस्पी बनेगी। हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हम बाकी की चकली को भी फ्राई कर लेते हैं। आटे की चकली रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और एकदम क्रिस्पी बनी है। आपको एक चकली तोड़ के दिखाती हूँ। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।